हेलो फ्रेंड्स, आज कुछ स्पेशल तो नहीं है। आज दिन वैसा ही बीता। मेरे पास ये तीन फोटोज हैं, 1, 2 एंड दिस वन इज थर्ड। मैं इनको चाहता था पेस्ट करना, बट कोई जगह नहीं मिली जहाँ पे इसको पेस्ट करने के लिए कोई ऑप्शन हो। और मैंने कोशिश की थी कि इसको दीवार पे कहीं ना कहीं मैं लगा लूँगा एट द एंड ऑफ द डे, डेट इज 19 जून को, बट समहाउ इतना बिजी था कि नहीं लगा पाए। और आज नहीं, कल वीडियो डालने के बाद कुछ दोस्त लोगों से बात हुई व्हाट्सएप फीचर के थ्रू, जिसमें चार लोग एक साथ बात कर सकते थे। चार लोगों से बात करने के बाद पता चला कि उन चार में से दो इंडिया में हैं, दो आउट ऑफ इंडिया हैं। तो बहुत अच्छा लगा बात करके। कुछ पुरानी बातें भी उसमें दोहराई गई कॉलेज टाइम की। सब ने एक दूसरे साथ अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। मॉर्निंग उठे, स्केड्यूल था ऑफिस जाने का, ऑफिस गए और ऑफिस में बहुत बिजी थे आज। हाँ, बिजी थे, इतना बिजी थे कि कुछ भी टाइम नहीं मिला कुछ बनाने का इन बिटवीन ऑफिस। ऑफिस आने के बाद इतनी थकावट हो गई थी कि आके मैंने देखा कि बेबी सो रहा है, तो हम भी जाके साथ में सो गए। जब नींद खुली तो पता चला कि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है वीडियो के लिए। तो जब उठे तो फिर चाय पीने के बाद फिर वीडियो बनाने बैठे। लेकिन चाय पीने से पहले मम्मी से बात भी कर लिया इसी बीच में। एक तरह से देखा जाए तो एक बहुत शानदार दिन था। लेकिन व्हाट इज़ डिफरेंट, मैंने आपको पहले बताया था कि हर दिन कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है, तो आज भी कुछ ना कुछ डिफरेंट था। तो क्योंकि कल सूर्य ग्रहण था, तो कल के वीडियो में तो कुछ और इशू था फादर्स डे का, तो सूर्य ग्रहण पता नहीं चला कि कहाँ गया नहीं गया। योगा डे भी था कल, उसको भी डिस्कस नहीं कर पाए, तो आज नहीं डिस्कस करूँगा। आज ऑलरेडी वो बीत चुका है, बात ख़त्म हो गई। तो आज का जो हॉट टॉपिक चल रहा है इंडिया में, और डेट इज़ कि इंडिया चाइना टेंशन एंड द अनदर वन इज़ कोरोना। देखा जाए तो दोनों की समस्या की जड़ जो है चाइना ही है, क्योंकि चाइना ने ही फर्स्ट केस अनाउंस किया था और अगेन हमारे बॉर्डर पे भी चाइना ही है। तो आज एक और दोस्त से बात हुई ऑफिस में, तो उससे उसकी एक राय ली गई कि क्या चाइना से लड़ाई हो सकती है। तो उसने कहा बिल्कुल नहीं हो सकती, मतलब हमने पूछा कोई चांस, तो उसने कहा कोई चांस नहीं। तो उन्होंने पूछा क्यों, उसने कहा कि ऑलरेडी हमारा देश ही नहीं पूरा वर्ल्ड वाइड चाइना पे इतना डिपेंडेंट हो चुका है कि कोई उससे लड़ना नहीं चाहता। तो हमने कहा कि ऐसा थोड़ा पॉसिबल है। तो उसने कहा कि नहीं, ये इंडिया के लोगों को शायद पता नहीं है कि हम लोग चाइना पे डिपेंडेंसी कितनी ज़्यादा है, पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर उसी पे डिपेंडेंट है। तो गौर से देखा जाए, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे देखा जाए, तो ये बात सही है कि हम लोगों की चाइना पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है रेदर देन उनकी डिपेंडेंसी हम पे। लेकिन अगर गौर से देखें तो जितनी चाइना पे हमारी डिपेंडेंसी है, मतलब हम लोग जितना चाइना पे डिपेंडेंट है, इन द सेम मैनर चाइना का मार्केट भी इंडिया के मार्केट पे इक्वली और प्रोपोर्शनली ही उस पे डिपेंडेंट है। तो अगर कोई ये सोचे कि हम लोग चाइना से कुछ लड़ ही नहीं सकते, तो ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि जितना हम चाइना पे डिपेंडेंट हैं, उसी तरह चाइना भी मार्केट के फॉर्म में हम पे इक्वली डिपेंडेंट है। तो अगर हम लोग कुछ बंद करते हैं, तो यस एग्रीड कि चाइना के लिए सिर्फ हम एक बाज़ार नहीं है, लेकिन चाइना के लिए हम एक बहुत बड़ा बाज़ार है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप चाइना पर डिपेंडेंसी हटाने के लिए आप चाइनीज सामानों को बहिष्कार कर दें, क्योंकि ये बोलना जितना आसान है करना उतना ही टफ है।
मैंने आपको लास्ट टाइम एक एग्जांपल भी दिया था कि अगर आप चाइनीज मोबाइल को अपने लिस्ट में से हटा दें तो आपके पास बचता ही क्या है। इन द सेम वे अगर आप बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जिसमें से अगर चाइनीज पार्ट्स उसे हटा दें तो आपके पास बचता ही क्या है। उसके बाद अगर बच भी गया तो उसकी कॉस्टिंग कितनी ऊपर चली जाती है। लेकिन साथ में हमें ये भी ध्यान में है कि इन सब के बावजूद हम कितना बड़ा मार्केट हैं। तो अगर कोई इंडियन कंपनीज इस चीज़ को ध्यान में रख के कोई प्रोडक्ट बनाते कि हम कितना बड़ा मार्केट है जो हम कंज्यूम कर सकते हैं, तो जो ये लोग कहते हैं कि चाइना को हम लोग नहीं लड़ सकते हैं, शायद उनको हम झुठला सकें। और ये चीज़ें तो सरकार लेवल पे चल ही रही हैं, सरकार ने भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर ली अपने दिमाग में, और आने वाले टाइम में हो सकता है सरकारें और भी कुछ बदलेंगी। हाँ, आज चाइना के साथ लड़ाई हो ना हो, लेकिन आने वाले टाइम में चाइना के साथ कोल्ड वॉर की स्थिति बनती चली जाएगी आज के बाद। क्यों? क्योंकि नॉट आज के बाद, अभी का जो समय है उसके बाद, क्योंकि लोगों ने बहुत कुछ इसमें सीखा है, कोरोना चाइना, उसके बाद बॉर्डर पे चाइना, नेपाल को उकसाने वाला चाइना, प्रूफ किसी के पास कुछ नहीं है, बट ये सुनी सुनाई खबरें हैं। और आपके सामने एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या इन मेरी बातों से कुछ लोगों का चाइना से मोह भंग होगा? क्वेश्चन मार्क। टिल दैट, बाय बाय।